आज मेरे किचन में बनेगा नारियल की डोसा, डोसा लेकिन बिना उड़द दाल की। और इसे आज मैं सर्व करूंगा नारियल और टमाटर की चटनी के साथ, जो कि काफी स्वादिष्ट होता है। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत हेल्दी होता है खाने के लिए। तो डोसा बनाने के लिए आज मैंने लिया है करीबन एक कटोरी डोसा वाला चावल, यानी कि इडली वाला चावल, जिसको मैं करीबन 2 घंटा पानी में भिगो के रखा था। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया था आपको। कम से कम 2 घंटा इसको पानी में डीप करके रखना है। अगर आप ज़्यादा टाइम भी इसको भिगो के रखते हो तो अच्छी बात है। उसके साथ जितना मैंने चावल लिया था उसी को नाप करके मैंने लिया है ग्रेटेड कोकोनट, और उसके साथ मैंने लिया है इसी को ही, मतलब चावल और नारियल को नाप करके मैंने लिया है आधा कटोरी पोहा, जो कि पतला वाला पोहा है। तो ये है हमारा आज का 3 बेसिक इंग्रेडिएंट, जिसको इस्तेमाल करके आज हम डोसा बनाएंगे। तो मैंने लिया है एक मिक्सी जार, और इसमें रखा हुआ यानी कि भिगोया हुआ चावल को अभी ऐड कर लूँगा, और इसके साथ ऐड करूंगा रखा हुआ ग्रेटेड कोकोनट को। इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा पानी, और इसे मैं अच्छे से अभी ब्लेंड कर लूंगा। और हमारा जो पोहा है, एक बार हमारा चावल और नारियल को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम पोहा ऐड करके दोबारा ग्राइंड करेंगे। ये देखिए हमारा चावल और नारियल कितना अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, यानी कि इसका प्रॉपर पेस्ट बना है। अब मैं रखा हुआ पोहे को अभी इसमें ऐड कर लूँगा। आप चाहो तो पोहे को थोड़ा टाइम पानी में भिगो सकते हो, लेकिन मैं अभी इसी में ही और थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करूँगा, सो दैट कि हमारा पोहे भी अच्छे से इसी में ही ब्लेंड हो जाए, कि दोबारा मुझे इसको भिगोना ना पड़े। इसमें ऐड कर लूँगा अभी पोहे के हिसाब से पानी। इसमें पानी का कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा देना है, कि हमें पता है पोहा बहुत जल्दी पानी सोख करके फूल जाता है। अभी इसका ढक्कन दोबारा दे दूंगा और दोबारा मैं इसे ग्राइंड कर लूंगा। अब देखिए हमारा बैटर कितना अच्छे से बनके तैयार हो चुका है। अब ये बैटर को मैं एक पतीले में अभी निकाल दूंगा। इसमें ऐड करूंगा स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक और बस थोड़ा सा चीनी। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो चीनी वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। और इसे मुझे अभी अच्छे से मिला देना है। और ढक्कन देके मुझे इसे करीबन अभी 2 घंटा ऐसे रेस्ट के लिए छोड़ देना है। जब तक हमारा बैटर को रेस्ट मिल रहा है, तो इसी दौरान मैं डोसे के साथ सर्व करने के लिए आज बनाऊंगा टमाटर और नारियल की चटनी, जिसके लिए मैंने लिया है करीबन 1 कटोरी के आसपास ग्रेटेड कोकोनट यानी कि नारियल। उसके साथ मैंने लिया है 3 से 4 मीडियम साइज टमाटर, जिसको मैंने रॉपली चॉप किया है। मैंने लिया है कुछ अदरक और लहसुन के कलियां। अदरक को मैंने ऐसे लंबा लंबा करके काटा है और लहसुन का छिलका निकाल के मैंने यहाँ पे रखा है। और इसमें मैं ऐड करूँगा 3 सूखी हुई लाल मिर्च और कुछ साबुत जीरा। तो चलिए अभी चटनी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं गैस के ऊपर एक कढ़ाई बिठा चुका हूँ, और कढ़ाई में ऐड करूँगा अभी थोड़ा सा तेल। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें अब मैं ऐड करूंगा रखा हुआ सूखी हुई लाल मिर्च और साबुत जीरा। अब इसमें ऐड कर लूंगा रखा हुआ लहसुन का कलिया, कुछ अदरक के टुकड़े,
अब मैं इसमें ऐड करूंगा रखे हुए टमाटर को। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक छिड़क दूंगा, जैसे कि हमारा टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाए। अब देखिए हमारा टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। टमाटर को ज़्यादा गलाना नहीं है, इसलिए मैं अभी गैस का फ्लेम को ऑफ कर चुका हूँ और इसे थोड़ा टाइम बस ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगा। एक बार ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं रखा हुआ ग्रेटेड कोकोनट के साथ मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगा। हमारा टमाटर ठंडा हो चुका था तो इसे मैं नारियल के साथ अच्छे से पेस्ट बना चुका हूँ, यानी कि हमारा चटनी बनके तैयार हो चुका। अब देखिए करीबन 2 घंटा हो चुका है हमारा बैटर को रेस्ट मिलते हुए, और देखिए हमारा बैटर का कंसिस्टेंसी कितना सही हो चुका है, ज़्यादा पतला बना है या ज़्यादा मोटा। और हमने इसमें पोहा डाला था तो पोहा को भी अच्छा टाइम मिला है सोख हो के फूलने के लिए। तो चलिए अभी इसी दौरान मैं गैस में एक तावा बिठा चुका हूँ गर्म होने के लिए। चलिए अभी हम डोसा बनाना शुरू करते हैं। तावा अच्छे से गर्म हो जाए तो अब मैं इसमें ऐड करूँगा थोड़ा सा तेल, बनाया हुआ बैटर। अब देखिए मैं सारे डोसे को बना के तैयार कर चुका हूँ, तो चलिए अब मैं फाइनल प्लेटिंग के साथ आपको मिलता हूँ। अब देखिए प्लेटिंग के साथ हमारा नारियल के डोसे बनके तैयार हो चुका है, वो भी नारियल और टमाटर की चटनी के साथ। आशा करता हूँ मेरा बनाने का तरीका आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो घर पे बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगा। With this, I'm going to end today's vlog. Hope you all enjoy your day. Thank you.